कॉफी कलम बंद कर दीजिए, बात समझिए। एक पर्व का हम ग्राफ खींच रहे हैं, मान लीजिए जब कोई पर्व हो गया वाणी बराबर और अब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया कौन सी। तो टेंजेंट जहां पर पर्व को बाहर से स्पर्श करता है वो बिंदु कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाता है, मान लीजिए इसको एक्स वन वाई वन से सूचित कर देते हैं, ये बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, संपर्क बिंदु। तो यहाँ पर है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और एक लाइन। अब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो इस टेंजेंट पर क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। समझ में आया, तो टेंजेंट पर क्या है, तो लॉन्ग है, तो इसका नाम पड़ता है नॉर्मल। या क्या कहलाता है, तो टेंजेंट किस तरह की लाइन है, आप पहले से जानते हैं कि वो लाइन जो पर्व को स्पर्श करे, काटे नहीं, क्या करे, स्पर्श करते, बाहर से जाएगी तो स्पर्श करेगी, और जिस पॉइंट को स्पर्श करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, बिंदु। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ। टेंजेंट में और नॉर्मल में क्या संबंध होता है, नॉर्मल भी एक लाइन है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टेंजेंट को लोग क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले से भी हम लोग जान चुके हैं इस बात को, स्लोप ऑफ, जिसको हम लोग एम से भी सूचित करते हैं, और ये होता है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। अभी टेन थीटा कहां से आया, तो अभी ये होगा एक्स अक्ष, ये हो गया, और ये होगा, अब देखिए यह टेंजेंट एक तरफ से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, तो वो लाइन एक तरफ से धनात्मक थीटा।